अद्भुत। सुगंध तो अद्भुत है। अच्छे स्नान के लिए इतने सारे वस्तुओं की आवश्यकता होती है, किंतु मुझे तो झरने के शुद्ध शीतल जल से स्नान करने की आदत है। जानते हैं, जब मैं छोटा था ना, तो मैंने अपनी माँ से सुना था कि चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटते हैं, और उसके पश्चात भी चंदन अपनी सुगंधी नहीं छोड़ता। पीछे मत मुड़िएगा, लेकिन मैं ना कहूं तब तक पीछे मत मुड़ना। कहा था ना मैंने, स्मरण है ना? पीछे मत मुड़ना। राजकुमार, सम्राट को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। बेफिक्र रहिए रानी नूर, हम सम्राट बिंदुसार के नहीं, मीर खुरासान के वफादार हैं। तुम जा सकते हो। दर्द का हिसाब धर्मा, अशोक और बिंदुसार को देना पड़ेगा बाबा। आज तक सब लोग हमें बिंदुसार मौर्य की दूसरी पत्नी रानी नूर मौर्य के नाम से जाना करते थे, लेकिन उस धर्मा ने हमसे हमारी पहचान छीन ली। यह जगह विदित है कि रानियों में सबसे प्रिय रानी आप हैं, इसलिए औपचारिकता के लिए आपका स्थान द्वितीय होगा मेरी दूसरी रानी के रूप में। लेकिन हमारा वादा है आपसे, अब ये दुनिया हमें बिंदुसार की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि मीर खुरासन की पुत्री के रूप में याद रखेगी। आपको दी हुई हर तकलीफ, हर दुख का बदला लेंगे हम उस धर्मा, बिंदुसार और अशोक से। महारानी चारुमित्रा, मैं आपकी आभारी हूं, आपने मेरी सेवा में अपनी दासियों को भेजा। आभार तो तब प्रकट करती रानी धर्मा जब तुम दासियों को अपने पास रख लेती। वैसे तुम्हारे व्यवहार से लग रहा था जैसे
तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने कार्य स्वयं करने की आदत है, इसलिए मैं। रानी धर्मा को अपना कार्य स्वयं करने में आनंद प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है महारानी चारुमित्रा, आपकी दासी की सहायता स्वीकार करने के पीछे इनका कोई और कारण नहीं था। पुत्र, किंतु अब वो रानी है और जितनी शीघ्र रानी धर्मा और राजकुमार अशोक राजवंशियों के रहन सहन को समझ लें, स्वीकार कर लें, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। हम मानते हैं कि इनका जीवन संघर्षपूर्ण था और यही कारण पर्याप्त है कि हमारी बहू और हमारा पोता सब सुख सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। आपका यह कहना उचित है मां। रानी नूर कहां है? सियामक? सियामक। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो विश्राम कर रही है। मैं उन्हें देख के आती हूँ। नहीं रानी धर्मा, उन्हें विश्राम करने दीजिए, संभव है कि एकांत चाहते हैं। यदि आवश्यक है तो हम चले जाएंगे उसके पास। माँ ठीक कह रही है, ऐसे समय में माँ नूर को संभाले यही अच्छा होगा। जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। मैं जानता हूं कि मैं इन वस्त्रों में बहुत विचित्र लग रहा हूं, है ना, और मुझे बहुत असुविधा सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बांध दिया गया, मैं वस्त्र बदल कर आता हूं। नहीं 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 नहीं, ये वस्त्र आप पर बहुत अच्छे जच रहे हैं। आओ पुत्र। पिताजी महाराज, मुझे भी। सियामक, एक साथ अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर अप्रतिम आनंद का आभास होता है। संभवतः आप भूल रहे हैं कि आपके तीन नहीं चार पुत्र हैं। राजकुमार सुशील, मेरा आशय ये नहीं। कोई बात नहीं, तब आपका प्रेम और बढ़ेगा और ये स्वाभाविक है, इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। भोजन के लिए स्थान ग्रहण करें। हम आप सारे व्यंजनों का स्वादन क्यों कर रहे हैं?
भोजन में विष मिश्रित करना शत्रुओं के लिए बहुत सरल होता है कुमार। आचार्य, और इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो जाता है कि भोज में विष मिश्रित है या नहीं, और ये राज परिवार के लिए सुरक्षित होता है। पर मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कोई और अपने प्राण संकट में क्यों डाले पिताजी? यदि मेरे प्राणों का मूल्य है तो इनके प्राण भी तो मूल्यवान है ना। राजकुमार अशोक, ये हमारा कर्तव्य है। मैं आपका नमन करता जो आप अपने प्राणों की चिंता छोड़कर इतने वर्षों से राज परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे, किंतु मैं चाहता हूं कि इस प्रथा को आप समाप्त होना चाहिए। मैं भी आपकी संवेदनशीलता को नमन करता हूं, पर राज परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखने का दायित्व है हमारा, यही हमारा धर्म है। एक सैनिक के प्राण जाने का खतरा भी बना रहता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि सैनिक अपने धर्म का परित्याग कर युद्ध ही ना करे। इन सब बातों को समझने के लिए तुम्हें समय लगेगा अशोक। तुम्हें समय के साथ यह आभास हो जाएगा कि आचार्य चाणक्य ने जो भी नियम रीति रखे हैं उनका अपना महत्व है, और सबके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा है। मेरे विचार से आप उचित कह रहे हैं। इससे पूर्व मुझे ज्ञात नहीं था कि राजकुमार होना कितना कठिन होता है। सुबह से मेरे साथ कुछ ना कुछ विचित्र हो रहा है। पहले दो दास आकर मुझे स्नान कराना चाहते थे, फिर उसी समय संगीतज्ञों की मंडली ने आकर गीत संगीत आरंभ कर दिया। आपको अंदेशा नहीं है कि मैं उनकी दृष्टि से स्वयं को किस तरह बचाकर यहां पर आया हूं। जो भी कहो, राजकुमार की जीवन शैली बहुत भिन्न होती है। स्वतंत्रता से आप कुछ कर ही नहीं सकते, यहां तक कि अपनी इच्छा से वस्त्र भी धारण नहीं कर सकते। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वस्त्र बदल लेने से मेरा व्यक्तित्व भी परिवर्तित हो जाएगा। पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने पुराने वस्त्र धारण कर लूं। जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाहरी परिवर्तन से भय क्यों है कुमार? समय लगेगा तुम्हें यह स्वीकार करने के लिए, किंतु अंततः स्वीकार तो करना ही होगा। शीघ्र ही तुम्हें दायित्वों के निर्वाह हेतु परिवर्तित होना ही होगा, और इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। समय के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ रही हैं बाबा। वो धर्मा सादे से ज्यादा वक्त बिंदुसार के साथ बिताने की कोशिश करेगी, और ये सुनिश्चित करेगी कि वो अशोक को सबसे ज्यादा काबिल बना पाए। बिंदुसार की नजर में अशोक के साथ तो चाणक्य का समर्थन पहले से है, और चाणक्य भी यही चाहेगा कि अशोक को सबसे ज्यादा महत्व मिले। ये हालात तो पहले भी थे नूर। हाँ बाबा, लेकिन तब आप हमारे साथ थे बाबा, हमारी ताकत बन गए। लेकिन आज हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं। ये वक्त कमजोर होने का नहीं है नूर। मेरी दुख्तर बहुत बहादुर है, वो कुछ भी कर सकती है। बस जो खुद पे तुमने यकीन खोया है उसे वापस लाना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो नूर, तुम्हें मगध राज्य को अस्थिर करना होगा, राज्य में अराजकता फैलानी होगी, ऐसे हालात बनाने होंगे ताकि बिंदुसार को यकीन हो जाए कि बिना खुरासानी समर्थन के वो कुछ नहीं कर सकता, और फिर वो मजबूर हो जाए स्यामक को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए।
इसके बाद तुम सुशी, अशोक और ध्रुपद तीनों की हत्या कर देना, ताकि कोई भी श्यामक को चुनौती देने के लिए जिंदा ही ना बचे। बाबा, लेकिन लेकिन ये सब मैं अकेले करूंगी कैसे? तुम अकेली नहीं हो, इसमें तुम्हारी मदद करेगा अव्रत में खुरासानी वंश का सरदार। दास्तान? नहीं, उस वक्त जो भी हुआ उसके बाद वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा बाबा, कभी नहीं। नूर, जो अपने बाप को अंधेरे में रख सकती है, अपने पति को अंधेरे में रख सकती है, अपने बेटे को अंधेरे में रख सकती है, उसके लिए कुछ भी मुमकिन है। तुम्हें दास्तान को हर हाल में मनाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। याद रखना, दास्तान ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। देवी नूर के विषय में पता लगाना होगा। नूर अपने जलपान कक्ष में भी नहीं है, उन पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी। दूसरी ओर देवी हेलना ने अपने पुत्र जस्टिन का कक्ष अशोक को बड़ी सहजता से दे दिया, बिंदुसार को यह जताने के लिए कि उन्होंने अशोक का बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया। ये निश्चित रूप से देवी हेलना की कोई गहरी चाल है, हमें सतर्क रहना होगा। क्या हुआ आचार्य? अशोक ने कहा था कि वो दास और संगीतज्ञ से छुपकर भोजन कक्ष में आया था। इसका अर्थ यह हुआ कि दास और संगीतज्ञ दोनों नहीं जानते कि कक्ष में अशोक है या नहीं। फिर यह संगीत बंद कैसे? अपनी पहली चाल चल दी है, अशोक भाग्यशाली रहा, किंतु भाग्य हर बार अशोक का साथ नहीं दे सकता। हमें सम्राट को सावधान करना होगा। नहीं, इन मृत शरीरों को मैं समय से पूर्व हटा दूंगा। अशोक को यह ज्ञात भी नहीं होगा कि यहाँ क्या घटित हुआ था। किंतु आचार्य, आप अशोक को सतर्क क्यों नहीं करना चाहते हैं? यदि उसे ज्ञात हो गया तो वो सतर्क हो जाएगा और इन हत्यारों से भयभीत हो जाएगा। भयभीत होने के पश्चात उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा और शत्रु सतर्क हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। विष को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जिस किसी ने ये हत्याएं की हैं, हत्या करना उनका व्यवसाय ही हो सकता है, और अपने प्रथम प्रयास में असफल होने के पश्चात वो पुनः प्रयास करेंगे, और यही अवसर होगा, हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। The
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.